तो जय बाबा केदारनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विवेक बिष्ट और स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की महादेव, देवों के देव महादेव की इस भूमि में, तपोभूमि में, जहां कहा जाता है कि श्री केदार भगवान साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। तो आज मैं आया हुआ हूं, जब से मेरा बचपन शुरू हुआ हुआ तब से मेरा एक सपना था कि मैं केदारनाथ आऊँ। ऐसा नहीं है, केदारनाथ में बहुत बार आया परंतु मंदिर का ट्रैक नहीं कर पाया, सिर्फ फाटा हेलीकॉप्टर ही तक आया। तो आज जो है यहाँ पे मेरे भैया हैं महेश भाई, तो इनके साथ आज मुझे सौभाग्य मिला है भगवान केदार के दर्शन करने का। तो आज मैं आया हूँ इसी पावन पवित्र भूमि में। आज मैं आप सभी को केदारनाथ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं हमारे, सारी छोटी से लेकर बड़ी जानकारी दूंगा कि केदारनाथ आप कैसे आ सकते हो, कहाँ से आ सकते हो, कितना किलोमीटर का ट्रैक है। तो आप गौरीकुंड से केदारनाथ आते हो तो केदारनाथ का ट्रैक जो है 16 किलोमीटर का है। तो आपको गौरीकुंड से घोड़े, जो कि घोड़े का प्राइस है यहाँ पर 2950 रुपये जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। अगर आप पालकी लेकर आते हो तो पालकी का प्राइस है 8 से 10 हज़ार रुपये। अगर आप पिट्ठू लेकर आते हैं तो पिट्ठू का है 5 से 8 हज़ार रुपये। तो आप जो भी आपको पसंद हो, अगर आप पैदल आना चाहो, हमारी तरह एडवेंचर के शौकीन है, इन वादियों को खूबसूरत अपनी आंखों से देखना चाहिए, तो ज़रूर आप यहाँ पर पैदल भी ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि पैदल रुक रुक के आने में मज़े ही कुछ अलग है। अगर आप पालकी लेने की पहले से प्लानिंग कर चुके हैं, घोड़े लेने की पहले से प्लानिंग कर चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट गौरीकुंड से ही लें। अगर आप आधे रास्ते से लोगे तो वो ब्लैक में आपको बहुत ज़्यादा लगा दें, क्या पता 10 हज़ार लगा दें, 8 का 10 लगा दें, 10 का 12 लगा दें, 12 का और ऊपर भी लग सकता है। तो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि गौरीकुंड से ही आप पालकी का सफ़र करें, घोड़े का सफ़र करें, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर अभी हम पहुँचे हुए हैं बड़ी लिंचौली पे। बड़ी लिंचौली से जो है केदारनाथ अभी 7 किलोमीटर है और यहाँ से गौरीकुंड जो है अगर आप नीचे जा रहे हो तो 7 किलोमीटर है। तो यहाँ से अभी हम ट्रैक करेंगे केदारनाथ की ओर, भगवान केदारनाथ की ओर। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हो कि बड़ी लिंचौली का दृश्य। तो कोशिश ये रहेगी आप सभी को कि ड्रोन के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाए तो। वैसे देखते हैं कि नहीं क्या हो पाता है। हमारे साथ महेश भाई हैं, हमारे फुल सपोर्ट है, तो जरूर लगा दूँ। और करीब दोस्तों 8-9 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर दिया है और सफ़र करने के बाद काफ़ी तेज़ भूख भी लग चुकी है। तो ये महेश भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम बना रहे हैं फलों की चाट। तो क्या है कि मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप जब भी केदारनाथ का ट्रैक करो तो खाते पीते आना, खाते पीते इसलिए आना ताकि आपकी एनर्जी जो है बरकरार रहे, आप कंटिन्यू चलते रहें। तो ऐसी भूख लगी है हमारे महेश भाई। भाई मैंने एक्चुअली कल रात को अपने शॉप पे ड्राई फ्रूट भिगो के रखे थे। दोस्तों एक्चुअली ना कल रात को क्या हुआ कि मैंने अपनी शॉप पे ना कम से कम, आप बिलीव नहीं करोगे ना, 400 से 500 ग्राम ड्राई फ्रूट मैंने भिगो के रखे थे। मुझे पता था कि मेरे को भूख लगेगा रास्ते में, खाते खाते जाएंगे दोनों भाई, लेकिन सुबह में यार बैग में रखना भूल गए। अब ऐसा भी होता है यार हमारे साथ, क्योंकि जल्दबाजी में उठा, मुँह भी नहीं धुला, बैग पकड़ा, सीधा निकल गया रास्ते। तो दोस्तों पूरे 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आए हम पंडित जी के ढाबा में, और ये महेश भाई के दोस्त का ढाबा है। तो अभी हम खा रहे हैं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन। घर जा रखा है इनका दोस्त, घर जा रखा है, अभी उनके मामा लोग हैं, तो अभी हम यहाँ पर राजमा चावल खा रहे हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं राजमा चावल, खा रहे हैं हम यहाँ पे। देखो राजमा जो घर की राजमा है और चावल है जो हमारे जो है फेवरेट ही रहे हैं, तो अब इसको खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग गई है, जैसे मैं आप सभी को बता रहा था। हाँ तो ये महेश भाई कहाँ की है, हर्सिल की राजमा। तो हर्सिल की राजमा यहाँ पर मिलेगी आपको, काफ़ी शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा पंडित जी के ढाबा में। तो चलिए यहाँ से पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आप सभी को मिलते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। केदारनाथ का ट्रैक करने के लिए आप हेलीकॉप्टर की सहायता भी ले सकते हो। हेलीकॉप्टर की सहायता लेने के लिए आपको सबसे पहले या तो ऑनलाइन माध्यम से अपनी टिकट बुकिंग करवानी होगी या ऑफलाइन माध्यम से, उसके लिए भी कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपको ये बुकिंग करवानी होगी। उसके बाद आपका नंबर आएगा, जब आप रास्ते में जाते हो तो आपको तरह तरह के ट्रैक्टर दिखाई देते हैं, और एक आश्चर्यजनक बात है कि इतनी ऊँचाई पर आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे। अब जब केदारनाथ मंदिर पर जाओगे तो वहाँ तो JCB से लेकर हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि हम रामबाड़ा वाले पुल में जाते हैं, रामबाड़ा वाला पुल बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है जब उसके नीचे बारिश का पानी बहता है, उसके बाद ये मनमोहक दृश्य जिसे झरने जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि आओ हमें देखो। तो जरूर आप सभी पैदल मार्ग कीजिए, क्योंकि पैदल मार्ग के यहाँ पर 2 रास्ते हैं रामबाड़ा वाला, एक तो ये राइट साइड को चले गए, एक लेफ्ट साइड को चले गए। तो जो राइट साइड वाला है ये थोड़ा लंबा है, पर इससे आप सारी की सारी वादियाँ दिखाई देगी। और थोड़ा ऊपर चलने के बाद हमें मिलते हैं घोड़े की मंडी, जहाँ से आप घोड़े ले सकते हो रास्ते में, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर ब्लैक में मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट गौरीकुंड से भी करते हो तो गौरीकुंड से 2950 रुपये का आपको एक घोड़ा पड़ेगा केदारनाथ तक। अगर बीच से करते हो तो बीच से आपको 5000 में मिल सकता है, 10000 में मिल सकता है, तो इसलिए जरूर। तो दोस्तों जो आप मेरे सामने रास्ता देख रहे हैं सामने वाला, वैसे तो ये शॉर्टकट है परंतु बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला है, उसमें सांस फूलती है बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो चढ़ने में। वैसे शॉर्टकट तो है ही, परंतु मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी आएँ
आप सभी आए इस वाले रास्ते से, क्योंकि इस वाले रास्ते में वैसे घोड़े भी चलते हैं, पालक भी चलती है, डोली भी चलती है, सब कुछ चलता है, तो इसमें थोड़ा आसानी हो जाती है चलने में। और जैसे कि सांस नहीं फूलती, अगर सांस फूल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं एक चीज़ दूसरी कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आप चल रहे हो, पसीना हो रहा है, तो रुके नहीं, हल्का हल्का चलते रहें ताकि पसीना सूखे ना। अगर पसीना सूखेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज़ और दोस्तों, कि जैसे जैसे आप ऊपर आओगे तो आपका हल्का सा सर दर्द करने स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बुखार भी आ सकता है हल्का हल्का, तो अपने पास थोड़ा थोड़ा मेडिसिन लेके आना। अदरवाइज यहाँ पे जगह जगह पे बने हुए हैं, कैंप बने हुए हैं, जो कि सरकारी है, जो कि आपको फ्री में दवाई दे देंगे, तो आप उनसे ले लेना और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। अंकल जी मिले हैं, कल हम गाड़ी में साथी थे और अभी जो है हमें यहीं पे मिल चुके हैं। थोड़ी दूर है यहाँ से केदारनाथ, 1 घंटे का रास्ता है यहाँ पे। तो ये हम सब गाड़ी पे थे और ये तो गाड़ी पे रह गए, परंतु वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हम तो चले गए। एक बार आप सभी हाई कर दो। हाँ, तो सारे लोग आगे। और बाबा की इस पावन पवित्र भूमि में हम पधार चुके हैं, तो भगवान ने हमारे लिए बुलाव भेजा था, तो हम पहुँच ही चुके हैं। तो यहीं पे नीचे पे जो है हेलीकॉप्टर हेलीपैड है, और हमने थोड़ा ऊपर जाना है। फिलहाल तो हम अभी चल ही रहे हैं। ये है हमारे साथ हमारे महेश भाई और हम दोनों लगे हुए हैं रास्ते मत दिखा। तो ये है कि काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है, परंतु ऐसा था कि चलते चलते थकान तो जरूर लगी, परंतु जब यहाँ पे पहुँचे तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। और आप किसी देव शक्ति के पास आते हो तो सारी थकान उतर चुकी है। देखिए यहाँ से मंदिर का ऊपर का गुंबद दिख रहा है, तो बहुत जल्दी हम भगवान के दर्शन करने वाले हैं। सोलह किलोमीटर का लंबा ट्रैक करने के बाद आखिरकार पहुंच ही जाते हैं हम बाबा के इस प्रांगण में। और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, दो तीन किलोमीटर लंबी। तो हम तो सबसे पहले चले जाते हैं मंदिर की ओर और सामने दिख रहा था भव्य मंदिर, एकदम केदारनाथ का लग रहे थे, साक्षात भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ अवश्य लिखना। और दोस्तों, मैंने हमेशा ही रील्स पर ये वीडियोज़ देखी थी, ब्लॉग के माध्यम से ही देखा था, परंतु जब अपने आंखों के सामने देखा तो एकदम मन मान ही नहीं रहा था कि एकदम सामने पे हम केदारनाथ आए हुए हैं। इसे नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं हमारे, तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी सुंदर जगह है देखने लायक। तो आइए भोले बाबा के इस पावन प्रांगण और भगवान भोलेनाथ की महिमा में खो जाते हैं। तो चलिए, आप सभी आगे बने रहना। जय बाबा। और ये शाम हो चुकी है और शाम को दिख रही है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, जो बर्फ से ढकी हुई है और जिन पर सूर्य पड़ते ही एकदम गोल्डन की तरह चमकते हैं। और चारों ओर की वादियाँ आप देख सकते हो, एकदम धुआं सा लग गया और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम जो है डायरेक्ट मंदिर से चले गए थे अपने कैंप में और इसके बाद मंदिर जा रहे हैं। देखते हैं मंदिर में क्या क्या हमें आज देखने को मिलता है। अभी तो मैं और महेश भाई निकल रहे हैं यहाँ से, तो चलो चलते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने ये बहुत बड़ा ओम बना हुआ है, जैसे कि हिमालय की चोटियाँ भी दिखती है इसके अंदर से, तो काफ़ी भव्य है ये। फिलहाल इसको रिसेंटली यहाँ पर लगाया गया है, कुछ महीने हुए हैं इसको यहाँ पर लगाए हुए हैं। और आप भीड़ देख सकते हो, भीड़ कितनी ज़्यादा लंबी है। तो आजकल जो है यात्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, मुश्किल इसलिए एक तो ट्रैफिक लग रहा है, 22-23 घंटे ट्रैफिक चल रहा है, उसके बाद लोग यहाँ कम से कम दिन के 1-1 बजे से लगे हुए हैं, सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं और अभी उन्हें दर्शन मिल रहे हैं। फिलहाल मैं और महेश भाई यहाँ पे आए हुए हैं और आप सभी को आज रात्रि की आरती दिखाएंगे और आरती के साथ जो है कुछ वीडियोस जो है जो पेंडिंग रह जाएगी उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल तो आप सभी इंजॉय लीजिए और भगवान केदार के दर्शन का ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाइए, क्योंकि भगवान के दर्शन मैं आप सभी को अपने ब्लॉग के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो आप सभी का दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय केदार लिख दीजिए। रात्रि में कुछ ऐसी दिखती है केदार घाटी, देखो सामने से कितना ज़्यादा फॉग आ रहा है, इतना ज़्यादा फॉग आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फॉग लग रहा है। और अभी हम भैरव मंदिर भी नहीं गए हैं, कल हम भैरव मंदिर भी जाएंगे और काफ़ी सारी जगहें आप सभी को घुमाने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे लिए भगवान की इजाज़त होगी। वैसे इजाज़त थी, जब हमें मन्नत थी तभी हम यहाँ पे आए, अन्यथा कहा जाता है कि जब बुलाव होता है तभी हम यहाँ पे आ सकते हैं। मैं बहुत बार रुद्रप्रयाग आया परंतु केदारनाथ मंदिर नहीं आ पाया। खैर आज तो खैर आ ही चुके हैं और वहाँ बैठे हैं हमारे बाबा, तो ज़रूर उनके पास जाएंगे और आरती का भव्य दर्शन आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से करेंगे। जाना है बाकी एक करना सीन हो गया, लेकिन उस टाइम आपसे सर माँ में सब कमेंट में जरूर।
सभी का पास आएगी, सभी का पास आएगी। दक्षिणा निकाले, दक्षिणा। जय बाबा केदारनाथ के दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जय बाबा केदारनाथ जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हाँ दोस्तों, इसका पार्ट टू बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि ड्रोन के सॉफ्टवेयर सब कुछ मेंशन है टोटली। वो मैं आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट मैं तभी लेके आऊँगा जब आप उसमें खूब सारा प्यार देंगे, अपना खूब सारा सपोर्ट करेंगे चैनल को। जितने लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, एक बार अपना स्टेटस जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ अवश्य लिखें। और दूसरी वीडियो आने के लिए बहुत जल्द आप सबके समक्ष होगी। तो दीजिए इजाज़त, मिलूँ किसी नई वीडियो में, नई जगह। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा केदारनाथ।